जी सर, मैं गाड़ी का मालिक हूँ सर, रोड की बहुत खस्ता हाल। जी सर, मैं गाड़ी का मालिक हूँ सर, रोड की बहुत खस्ता हाल है, खराब। आदाब साहब, आप देख रहे हैं जो न्यूज़ अपडेट, में हूँ आपके साथ शफीक। आज मैं मौजूद हूँ एरिया जुमोला के बीच में। आज यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ रोड का कोई मसला है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक डॉक्टर शहजाद खान। तो डॉक्टर शहजाद खान से बात करते हैं कि यहाँ आज कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि जो लोग रजौरी जाने वाले थे तो ड्राइवरों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ बंद कर दी अपनी अपनी जगह में, तो इसी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर शहजाद साहब, क्या बोलना चाहते हैं आप इसके बारे में? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास आए। हम ये कहना चाहते हैं कि रोड की बहुत खस्ता कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन है कि गाड़ियाँ चलने के काबिल है ही नहीं है रोड। कभी भी किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है यहाँ पे, तो इसलिए आज जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ बंद की थी कि हम अपनी रिस्क पे ये गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई सरपंच, कोई और गांव का बड़ा जो मुअज्जज़ आदमी है, कोई किसी के पास जाता ही नहीं है। तो लिहाजा इसलिए ड्राइवर हमारे जो जितने भी हैं इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बंद की हैं कि हम अपने रिस्क पे ये गाड़ियाँ नहीं चला सकते। तो पहले भी पहले गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब बरसात की वजह से रोड की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, तो इसलिए मजबूर है लोग, क्या होगा उनका क्या होगा? मजबूर लोग हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं, हम जो गाड़ियों वाले हैं हम भी मजबूर हैं। हम अपनी गाड़ियाँ चला ही नहीं सकते, हम अगर एक चक्कर लगाते हैं तो गाड़ियाँ तीन तीन पटे तोड़ देती हैं, तीन तीन पटे तोड़ रही हैं गाड़ियाँ। हमें एक चक्कर लगाने का 5,000 रुपया नुकसान हो रहा है, हमारी गाड़ियाँ चल ही नहीं रही। कहाँ से कहाँ तक खराब है रोड? रोड पूरी जमोला पुल से कोटरंका तक खराब है, बहुत बुरी कंडीशन, बुरी कंडीशन है। आज हमने गाड़ियाँ अपनी स्टॉप की हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ हमने स्टॉप की हैं। तो हमें आरटीओ ऑफिस के ऑफिस से एक फ़ोन आता है कि आप अपनी गाड़ियाँ चलाओ जी। हमने उनको बोला कि आप आओ, मौके पे आओ, रोड की कंडीशन देखो। तो आगे से वो हमें बोलते हैं जी, आप अगर गाड़ियाँ नहीं चलाओगे तो हम आपके परमिट सीज़ कर देंगे। परमिट क्यों सीज़ होंगे? परमिट ये हमें क्या पता है, ये उनको पता होना चाहिए कि परमिट क्यों सीज़ कर रहे हैं। हमने उनको बोला है आप आओ, रोड की कंडीशन देखो, मौके पे रोड की कंडीशन देखो। अगर आप बोलोगे कि रोड की कंडीशन ठीक है, रोड गाड़ियों के चलने के काबिल है, तो ठीक है हम चलाएंगे। कितने गाड़ी चल रही हैं इस रोड पर? यहाँ पे 7 गाड़ियाँ चल रही हैं। 7 गाड़ियाँ, 7 गाड़ियाँ सातों के साथ बंद है, सातों की सात बंद है। और लोगों का क्या हुआ, जो सवारियाँ मजबूर थी उनका क्या हुआ? लोग घरों में अपने अपने बैठे हुए हैं। जो रोड पर कुछ लोग मेरे को नजर आए, जैसे एक साहिबान मेरे को रोड पर नजर आ रही है, ये बड़े मेरे साथ बोला मैंने रजौरी में जाना था, तो आप लोगों ने बंद करके रखा है। देखो हम मजबूर हैं, हम नहीं चला सकते, हम अपनी रिस्क पे गाड़ियां नहीं चला सकते। अगर आरटीओ ऑफिस से हमें फ़ोन आता है, आरटीओ ऑफिस से हमें फ़ोन आता है कि हम आपके परमिट सीज़ कर देंगे, ठीक है। अगर वो वहाँ पे बैठ के रोड की कंडीशन देखे बिना हमारे ये परमिट सीज़ करते हैं तो सीज़ करें, ठीक है। लेकिन उनको एक बार यहाँ ज़रूर होना चाहिए, रोड की कंडीशन देखनी चाहिए। तो दूसरे साहिबान जो रजौरी जा रहे थे, अभी अभी उनको रोका गया है, तो इनसे ही बात करते हैं। सर, आप रजौरी क्यों जा रहे थे आज? आप 4-5 बंदे बीमार हैं हमारे, बीमार हमारे गुमांडी बीमार है, मेरा टबर बीमार, सब सुबह से इधर से बैठे हुए, कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ी वाले बोलते हैं हमारे रोड खराब है भाई, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो कैसे जाएंगे आप रजौरी? कैसे मुश्किल है, बल्कि इधर बीमार तो मतलब... सर आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? जैसे साहब आपके सामने बोल रहे हैं कि मेरा फैमिली बीमार है, तो वो रजौरी में नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप लोगों ने गाड़ी बंद की है, तो वो कैसे पहुँचेंगे? धन्यवाद सर। देखिए फर्स्ट, आप ड्राइवर हो? हम ड्राइवर हैं, सिंगल मोटर के मालिक हैं एक। लेकिन देखो गाड़ियों की कंडीशन देखो, पहले रोड की कंडीशन देखो क्या हाल है। हम गाड़ियां चला रहे हैं, नई गाड़ियां हैं, लोगों की मजबूरी भी, नई गाड़ियां, गाड़ियों की हालत देखो रोड पे चल चल के क्या हालत, लोगों की तो मजबूरी, हमारी मजबूरी है ना। कल ऐसा वैसा कुछ हो जाए, हादसा हो जाए, तो इसकी जवाबदारी कोई लेगा? फिर ड्राइवर पे पूरा इल्ज़ाम आता है कि ड्राइवर की वजह से जो मजबूर है वो कैसे रजौरी पहुँचेगा? रजौरी पहुंचने पे तो मुश्किल है, लोग हमारा साथ हैं तो हम भी चले ना। किसके साथ बात करना चाहते हैं आप अभी, कि जो रोड हमारा रोड ठीक होना चाहिए, किससे बात करना? हम किसी साहब को अपील करते हैं कि हमारी रोड की कंडीशन देखो, रिपेयर करें रोड, रोड का काम चालू है। रोड के देखो खड्डे, 5-5 फुट खड्डे हैं, वो खड्डे में से गाड़ी कैसे निकलेगी? कुछ हो जाए हादसा तो, कल कोई भी हादसा होता है लोग, अगर कल कोई भी हादसा होता है ना रोड पे, तो ये लोग फिर बोलते हैं जी ये ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, ये ओवरलोड करते हैं जी, ये रफ ड्राइविंग करते हैं, तब जाके एक्सीडेंट होता है। लेकिन ऐसा है वैसा कुछ नहीं है, रोड की कंडीशन ही ख़राब है, तो इसलिए हम अपने रिस्क पे गाड़ियाँ नहीं चला सकते। अगर ग्रुप में से, अगर जो चोरी ग्रुप है, अगर वो अपने जिम्मेवारी पे यहाँ पे कोई गाड़ी चलाता है तो चला सकते हैं। हम सिंगल जो मालिक हैं, सिंगल गाड़ियों के मालिक हैं, हम अपनी कंडीशन, अपनी जिम्मेवारी पे गाड़ी नहीं चला सकते। कब से कब तक बंद? कब से कब तक बंद सर? जब तक ये रोड की कंडीशन ठीक नहीं होती हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। गाड़ियाँ तो चलाओ ना आप,
नहीं हम नहीं चला सकते अपनी हाँ, अगर आरटीओ ऑफिस से हमें चलाएं कैसे, अगर हमें आरटीओ ऑफिस से फोन आता है कि हम आपके परमिट सीज करेंगे, ठीक है, आरटीओ ऑफिस से हमें यहाँ पे मौके पे कोई आए वो अपनी जिम्मेवारी ले कि अगर कल कोई भी हादसा होता है तो हम जिम्मेवार हैं, तो ठीक है हम चलाते हैं गाड़ियाँ। तो दूसरे साहिबान एक और, सर आप भी ड्राइवर? जी हाँ ड्राइवर हैं। आप क्या करना चाहते हैं? करना क्या है सर, देखो रोड की कंडीशन बहुत बुरी है और इसके बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे डीसी रजौरी हैं इनको सोचना चाहिए कि रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। इसी क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, रोड के इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, ड्राइवर ने क्या करना? आप गाड़ी चलाते हो, क्या दिक्कत आती है गाड़ी चलाने में? दिक्कत क्या आती है, देखो मेरी बात सुनो, अभी हम अगर जाते हैं 2000 का फेरा नहीं लगता, अगर 3000 का गाड़ी काम मांग ले, हमने जेब से थोड़ी ना वो भरना, और गाड़ी भी हमारी नहीं है अभी कंडीशन, मतलब कौन सी गाड़ी? गाड़ी एंटर है हमारे पास, एंटर हो गई गाड़ियां 2 महीने ने जी, सिर्फ 2 महीने हो गए इन गाड़ियों को आए हुए, ठीक है, तो अभी गाड़ियों की कंडीशन कोई देखे आके कि गाड़ियों की कंडीशन क्या है, बिल्कुल कुआड हो गई ये गाड़ियाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ आज आप लोगों को ये रोड के बारे में दिखाया गया। जहाँ एक और साहिबान है मेरे साथ, सर आप भी ड्राइवर हैं? जी सर मैं गाड़ी का मालूक हूँ सर, रोड की बहुत खस्ता हाल है, ख़राब है, मैंने गाड़ी ली थी अभी, गाड़ी को 3 महीने नहीं हो गए, ठीक है, नहीं देखो हमारे जमोलापुर से लेके खा तक जहाँ तक, और अभी कोई भी रोड पे देख आके चेक किसी ने भी नहीं किया, ठीक है, रोड की खस्ता हाल बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह जाके हमें आरटीओ ऑफिस से फ़ोन आया कि हम गाड़ियों के परमिट सीज करेंगे। फोन कर रहा है सर? किसी प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया, ये मेरे साथ जो दूसरा ड्राइवर है इनको मेरे सामने उन्होंने बोला हम गाड़ियों के परमिट कैंसिल करेंगे। सर ऐसे कैसे परमिट कैंसिल होंगे, अगर आरटीओ ऑफिस से कोई आदमी आके बड़ा ये रोड चेक करेगा वो देखेगा, अगर हमको आरटीओ ऑफिस से वो परमिशन देंगे, अगर कल तक कोई हादसा हो गया, अगर उस चीज़ के जिम्मेवार है तो हम चलाएंगे, लेकिन अलबत्ता बात यह है कि जब तक इस रोड का ये काम अगर फाइनल नहीं करते, अगर क्लियर नहीं करते, हम गाड़ी नहीं चला सकते। देखो हम रिक्स लेके हैं अपने गांव की और अपनी सेवा करने के लिए, हमने गाड़ियों परमिशन के बगैर इस रोड पे कोई भी गाड़ी चला के राजी नहीं था, अगर हम लोगों की सेवा करने के लिए आए तो अगर खुद ये लोग अगर अपनी मजबूरी समझेंगे तो वो खुद बताएंगे, हमें तो नहीं बताना है। आप मालिक की गाड़ी के? जी सर जी। तो गाड़ी खड़ी रहने से आपका नुकसान होगा? सर क्या करें नुकसान होगा, अगर देखो रोड की हालत देखो, चढ़ती गाड़ी को अगर नुकसान हो रहा है तो अगर खड़ी है सर डेली, अभी गाड़ी को 3 महीने नहीं हो गए, पिछले महीने को गाड़ी ने 18,000 का फिल्टर तोड़ दिया, ठीक है, कितना काम करवाया वो ड्राइवर को पूछ लो, खड़ी अच्छी है, अगर बोले टायर देखो अभी 3 महीने नहीं हो गए सर, सारी खस्ता हाल बराबर है, अलबत्ता बात यह है कोई बड़ा आदमी आए आके चेक करे, हमें इस रोड पर गाड़ी नहीं चलानी है, देख लो सर आपको जो भी हाल आए थे पिछले महीने में हमारे जमोला में आए थे, वो खुद देख के गए हैं कि रोड की कंडीशन क्या है, बैड कंडीशन है, खुद तो देख के गए हैं डीसी साहब। हाई सेकेंडरी स्कूल में मीटिंग हुई, जमोला हाई सेकेंडरी स्कूल में मीटिंग हुई, इधर सब बड़े ब्रदरना आरटीओ ऑफिस से भी आदमी आए थे, उन्होंने बोला कि जिस वक्त मुझे परमिट दिया उन्होंने बोला ठीक है भाई परमिट आ गया आप गाड़ी लो, सर अभी गाड़ी तो बनवाई 25-30 लाख की, आज रोड की हालत देखो, खुद आके कोई आदमी बताएगा अगर गाड़ी चलानी है वो हमें परमिशन देंगे तो हम चलाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला था ये रोड जो आज वही हमें कॉल करके मतलब एक थ्रेट दे रहे हैं कि हम आपकी गाड़ी का परमिट है जो आरटीओ साहब बोलते हाँ उनकी, अब हमें नहीं ना पता उनकी ऑफिस से कोई कॉल कर रहा है हमें बोल रहे थ्रेट दे रहे हैं कि हम आपको आपको क्लियर आरटीओ साहब ने फोन किया, अब हमें उन्होंने बताया मैं आरटीओ दफ्तर से बोल रहा हूँ, ठीक है इंस्पेक्टर है पता नहीं कौन है, उन्होंने ही बोला कि मैं आरटीओ दफ्तर से बोल रहा हूँ और जो आप गाड़ियाँ आपने बंद की हैं इधर हमारे पास लोग आए आप गाड़ियाँ चलाओ, अगर आपने गाड़ियाँ नहीं चलानी है तो हम आपके जो परमिट है कैंसिल करें, यही बोला उन्होंने। तो डॉक्टर साहब से पूछो, डॉक्टर साहब क्या सही में आरटीओ साहब ने फोन किया? सर आरटीओ ऑफिस ये हमें क्लियर नहीं है, आरटीओ ऑफिस से किसी बंदे का फोन था, अब हम ये नहीं ऐसा तो धमकी तो नहीं को दे रहा, नहीं उन्होंने एक किस्म की थ्रेट ही दी कि आप गाड़ियाँ चलाओ जी, अगर आप गाड़ियाँ नहीं चलाओगे तो आपकी गाड़ियों के परमिट सीज हो जाएंगे। ये आरटीओ साहब का कहना, आरटीओ साहब का आरटीओ साहब है या कोई और है, लेकिन आरटीओ दफ्तर से नंबर बता सकते हैं आप? हाँ नंबर नंबर दिखा दो आप, बात तो इन्होंने करी है, क्या नंबर क्या है नंबर? एक नंबर है 94-191-84-770। दोबारा बोलो 94-191-84-770। ये आरटीओ